के साथ अपन वापस जा रहे हैं इस घर, क्योंकि अपन आने के समय का इंट्रो नहीं बनाए थे, बस रोड का बनाए थे, क्योंकि अब आने का छत्तीसगढ़। तो स्वागत है आप मन के मन नया ब्लॉग में। तो जैसे कि अपन आ गए फिर से दिव्या के मूर्तिकला केंद्र में, देख सकते हो माना के। तो अपन बनाए थे अपना कलर होने से पहले वाला वीडियो, तो आज अपन फिर से कलर होने के बाद आए, क्योंकि यहाँ की मूर्ति का कलर होना स्टार्ट हो गया। और देख सकते हो मैं आया हूँ भाई के साथ, वो देख भाई भी अपना वीडियो बना रहा है, तो देखते हैं कैसा कैसा कलर हुआ है, बने रहो वीडियो में। जैसे कि देख सकते हो घुस चुका हूँ मैं मूर्तिकला केंद्र में हमारे दिव्या के पास, देख सकते हो आगे मूर्ति पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब जगह कलर कलर समझ रहे हो ना। तो दिखाते हैं कि भैया की कलर जो कलर के बाद कुछ और अद्भुत दिख रही है, तो दिखा।
से अपन दिखाया आपको इस रूम का मूर्ति जो देख सकते हो। अब अपन आपको दिखाते हैं भैया का सेकंड रूम जो कि जस्ट उसके इस तरफ है, देख सकते हो। ये दे सेकंड वाला रूम जहाँ भाई खड़े हैं, तो दिखाते हैं आपको यहाँ का गणेश मूर्ति। साथ अपन वापस जा रहे हैं इस घर, क्योंकि अपन आने के समय का इंट्रो नहीं बनाए थे, बस रोड का बनाए थे, क्योंकि अपन सीधा दिव्य के जो रूम मूर्तिकला केंद्र है ना, अपन वहीं से वीडियो स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो अपन आने का बनाने का मतलब किए नहीं थे स्टार्ट, तो अपन जा रहे हैं घर। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहो ब्लॉग में। और हमारा भाई जी, अरे क्या भाई, हैशटैग गांव से फूल एकदम भाई, अच्छा मूर्ति बना इस बार। मैं तो लेट आ गया था, लेट से आऊँ, मतलब मैं भी ब्लॉग व्लॉग बनाया भी, तो देख लेना गरीब गरीब का ब्लॉग चैनल थोड़ा चढ़ लेना एक बार। लेकिन जगन्नाथ बोल दिया, मतलब नदी पारा की गौरी कृपा लगाया भैया, गौरी कृपा लगाया। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। हैशटैग गांव से।